का वर्गमूल कितना होता है अभी हम देखेंगे। वर्गमूल को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट से लिखते हैं, सर्वप्रथम इसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, इसमें अपने अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है। सर्वप्रथम जैसे 2 से भाग करते हैं, 2 का भाग 16 में दिया तो कितना आ गया आपका 8, वो इसके यहाँ नीचे लिख देना है। फिर इसमें 2 का भाग देते हैं, भाग गया 4, और 4 में 2 का भाग 2, और 2 में 2 का भाग आपका 1, और तो 16 के गुणनखंड के आगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हमें क्या चाहिए इसका वर्गमूल। 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार यहाँ, 2 गुणा 2 कितना होता है 4 होता है, तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4 आ गया। ओके, आसान है।